नमस्कार जैन साथियों, इस वक्त मैं हूँ मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर पर, जो कि जमुना बाज़ार में है। और आज इसके दर्शन भी कराऊंगा आप सभी को। और इस मंदिर की मान्यता क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे। तो उस दौरान पे हनुमान जी ने विश्राम करने के लिए इसी जगह को चुना था और इसी जगह पे वो रुके थे। जब वो वहाँ पर उतरे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशों का अपार भंडार था और ये शमशान घाट था ये जगह। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी दुष्ट आत्माएं थी वो उनकी मुक्ति हो गई हनुमान जी के नीचे प्रकट होने से। और जो जमुना जी हैं उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि जब जब अब आपका मंदिर यहाँ पर बनेगा और जब जब मैं आपसे हर साल मिलने आऊँगी और इसी मंदिर के माध्यम से अब हमेशा देखेंगे, हर साल यहाँ पर जमुना का लेवल बढ़ जाता है और जमुना का पानी यहाँ तक इस मंदिर में ज़रूर पहुँचता है। इस मंदिर की यही खास बात है और इसलिए ये सामने जो निगम बोध घाट है, इसलिए इस निगम बोध घाट का निर्माण भी हुआ। जो भी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हनुमान जी करवाते हैं और इसलिए ही ठीक इसके सामने शमशान घाट है, इसलिए इसको मरघट वाले बाबा के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर पर विज़िट करता है, आता है पूरी श्रद्धा से, तो उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है और जो भी दुष्ट आत्माएं हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, यहाँ पर उतरे थे इस जगह पर, तो यहाँ पर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थीं जो कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी हनुमान जी के प्रकट होने से, यहाँ इस पृथ्वी लोक पर उतरने से। और इस जगह पर ये जमुना बाज़ार में है, जमुना बाज़ार का ये मंदिर प्रसिद्ध है, जमुना बाज़ार के नाम ये आसपास ये जमुना बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध है कि मरघट वाले बाबा जमुना बाज़ार में आता है ये। और ये मंदिर है, मॉर्निंग में ये खुल जाता है सुबह सुबह आई थिंक 8 बजे के आसपास, और 12 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर पुनः 3 बजे दोपहर के दोबारा से खुलता है। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है और ये है यहाँ से एंट्री होती है गेट से। और इस द्वार से, ये मंदिर का द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है। ठीक इसके इस साइड में हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है और पूजा जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और दर्शन करने के बाद इस जगह से निकला जाता है और यहाँ देख सकते हैं बहुत से श्रद्धालु होंगे, बहुत से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर विज़िट करते हैं, दूर दूर दूसरे राज्यों से आते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और इस मंदिर की यही खास बात है, जो भी यहाँ पे मनोकामना लेकर आता है सच्चे मन से तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। निगम बोध घाट के ठीक निकट में है ये मंदिर और जैसे कि मैंने आपको इसकी कहानी, इसकी सच्चाई बताई है, इसका इतिहास बताया है कि हनुमान जी का अस्तित्व यहाँ माना जाता है, हनुमान जी यहाँ पर निवास करते हैं ऐसा मान्यता है। और बहुत से साधु संत भी इस बारे में बता चुके हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का साक्षात निवास है। और ये मंदिर बनने का कारण क्या था, मैंने बता दिया था कि जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर आराम करने के लिए ये जगह चुनी। और जब यहाँ वो उतरे तो यहाँ पर बहुत सी लाशें थी, यहाँ पर लाशों को जलाया जाता था
तो उन दुष्ट आत्माएं, इसमें से बहुत से दुष्ट आत्माएं थी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उनको मोक्ष मिल गया, जिसके कारण फिर जमुना जी ने उनसे कहा कि यहाँ पर तुम्हारा मंदिर बनेगा हनुमान जी का, और मैं हर साल मिलने आऊँगी यहाँ पर, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आऊँगी। तो हमेशा साल में एक बार जमुना का लेवल इतना बढ़ जाता है कि मंदिर के इस परिसर में पानी पहुंच जाता है, और इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, इतना डेवलप हो चुका है हमारी दिल्ली, फिर भी काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं, और इसको इतना उठा दिया गया है, ये करीबन आई थिंक 100 साल 200 साल, कितने बहुत साल पुराना है मंदिर है। तो मैं इससे पहले यहाँ से गुजरा करता था, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी आती थी यहाँ पर इस मंदिर में, तो उस वक्त ये जो लेवल है जो आज इतना ऊपर उठा रखा है, ये उस वक्त इतना ऊपर उठा नहीं था, काफ़ी नीचे था। जो उसकी सही प्रतिमा है ना, वो आज भी करीबन 10 फीट नीचे ही है, यानी कि करीबन 10 फीट ये मंदिर ऊपर की तरफ उठ चुका है, क्योंकि जैसे सड़क का लेवल बढ़ा तो लोगों ने इसको भी बढ़ाने का वो करा, बढ़ा दिया गया। उसके बाद भी जो उसकी सही प्रतिमा है वो आज भी 10 फीट नीचे ही है। तो उसके दर्शन कराने, अंदर मंदिर के अंदर तो अभी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, और ना ही मैं लेके जाऊँगा। जिसको दर्शन करना है वो यहाँ पर आके विज़िट करे, और हनुमान जी से जो भी मनोकामनाएं सच्चे मन से मांगेंगे उसका बेड़ा पार होगा। और यहाँ पर कुछ भी आप बांट सकते हैं, जैसे मैं भी आज कुछ बांटूँगा, तो कोई भी कुछ भी बांट सकता है, चावल कढ़ी और ये पकोड़े हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर, कुछ भी बांट सकते हैं, खरीद कर बांट सकते हैं आप, और केले हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो सच्चे मन से बांटो। किसी भरे पेट को खिलाए तो क्या खिलाए, किसी भूखे को खिलाओ तो बात बने। यहाँ पर बहुत से जो ज़रूरतमंद, जिनको रोटी नसीब होने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ पर आते हैं, जो अभी भी हैं। तो यहाँ पर कई हज़ारों का रोज़ कोई ना कोई श्रद्धालु पेट भरता है, जो भी यहाँ विज़िट करता है, तो कोई मंगलवार को तो ज़्यादा, ये एक तरह से यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों श्रद्धालु क्या आते हैं यहाँ पर। अभी तो अभी देखो 2 बज रहे होंगे और 3 बजे मंदिर खुलेगा, और अभी भीड़ लाइन देख रहे हैं आप, इतने लोग अभी खड़े हैं, अभी मंदिर बंद है उसके बावजूद भी यहाँ पर खड़े हैं लोग, और 3 बजे खुलेगा मंदिर, 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, और काफ़ी लंबी लाइन लगती है, और मॉर्निंग में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूरी जो लाइन है वो यहाँ से आगे तक लगी रहती है, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी आते हैं लोग, दिल्ली का भी क्राउड है, हर जगह से, जिन जिन लोगों को पता है इसकी मंदिर की मान्यता है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, और सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती है। इस मंदिर का इतिहास भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कभी विज़िट करना है, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी श्रद्धालु हनुमान जी का भक्त एक बार यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ पर एक बार दर्शन करने ज़रूर आए, ताकि आपके जीवन पर से संकट हट जाए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी ही हैं, और भूत पिशाच भगाने वाले भी हनुमान जी हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवाने भी हनुमान जी हैं। तो इस मंदिर की मान्यता ही है कि जिनको भी लगता है कि हाँ उनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, बहुत दुख तकलीफ है, तो हनुमान जी की शरणों में अपना माथा टिकाएं, और बदलाव नज़र आ जाएगा, कुछ बदलाव आपको खुद को नज़र आएगा, किसी के बताने से नहीं होता, आप जब खुद फील करेंगे इस चीज़ को, तो आप विज़िट करेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, मैंने मंदिर के बाहर से दर्शन करा दिए आपको, और यहाँ से देखो ये वहाँ पर है मंदिर, यहाँ पे आज रामनवमी है, और रामनवमी पे ये आज काफ़ी लोग जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, ये तो हमेशा ही यहाँ पर तो हमेशा ही लंगर चलता रहता है, यानी कि मंगलवार को तो बेसिकली रहता ही है, बाकी और जो मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान्यता ही, और देखो यहाँ शनि मंदिर भी है,
शनि की खुद दृष्टि से बचने के लिए भी आप यहाँ पर आए और इस मंदिर में आए और आपको अच्छा लगेगा और शायद मेरी इस वीडियो से किसी का भला हो जाए, शायद उनकी कुछ तकलीफ़ें कम हो सके जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी। शायद आप में से किसी जो मुसीबत में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो इस पृथ्वी लोक पे जीने की आशाएं छोड़ चुके हैं, जो पूरे डिप्रेस हो चुके हैं, जो ज़िंदगी से पूरी तरह से हार चुके हैं, मैं कहूँगा कि एक बार इस मंदिर में आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जीने की जो ख्वाहिश है वो बढ़ेगी और आपके जीवन में बहुत से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मंदिर ही बड़ा ही अनोखा है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। और मेरी फैमिली में से तो मेरी माता जी आती रहती थी और मैं भी आया हूँ, मैं यहाँ पर सेकंड बार आया हूँ, मैं बालाजी गया हूँ और हनुमान जी के और भी टेंपल्स में गया हूँ मैं, मगर मुझे सबसे बेहतर ये लगा, आज मुझे फील हुआ कि बालाजी महाराज भी का मंदिर भी बहुत अच्छा है जो राजस्थान में है, तो वो भी अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप में से कोई भी विज़िट करना चाहता है तो आप विज़िट ज़रूर करें, आपको अच्छा लगेगा और शायद मेरी इस वीडियो से आपका किसी का भला हो जाए और आप यहाँ पर आएंगे तभी कुछ होगा। तो कहते ना, कुछ करो भगवान भी देगा तब, जब कुछ करोगे, जब भगवान से कुछ मांगोगे नहीं तो भगवान देगा कैसे। कुछ कर्म भी करो और कुछ मांगो भी, क्योंकि भगवान मांगने से ही देता है, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चों को, उसी प्रकार तो हम बच्चे ही हैं भगवान के, तो भगवान से कुछ मांगेंगे तभी भगवान हमें कुछ देंगे। और यहाँ पर उनके द्वार पे आना ही पड़ेगा, बिना द्वार पे आए कुछ नहीं मिलता, द्वार पे आओ। और ये श्रद्धालुओं की जो लाइन लगी पड़ी है ये कोई ऐसी नहीं लगी हुई है, इस मंदिर में कुछ खास बात है तभी इस मंदिर में लोग इतने सभी आते हैं। और यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार को सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि शायद ही किसी और मंदिर में होगी। और इस मंदिर का कोई ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, कोई वो नहीं है, मगर इतनी भीड़ लग जाती है यहाँ पर कि पैर रखने को जगह नहीं होती है। अभी मंदिर 3 बजे खुलेगा तो अभी बंद है, इस वक्त 12 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए भीड़ थोड़ी कम है, अभी दिख रही होगी, जैसे ही 3 बजेंगे फिर इसके बाद देखना कितनी भीड़ होगी। और आज मैं यहाँ पर कुछ सेवा करूँगा और सेवा करके थोड़ा किसी गरीब को कुछ ना कुछ सहायता करूँगा खाने पीने की, वो भी आप सभी को दिखाऊँगा कैसे कहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं, ए टू जेड चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर आप भंडारा लगा सकते हैं, वहाँ पर भंडारा लग रहा है इस वक्त, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप बांट सकते हैं। और श्रद्धा से आइए, बिना श्रद्धा से कुछ नहीं होगा, श्रद्धा से आइए और इस मंदिर को विज़िट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, शायद आप में से किसी का जीवन इस वीडियो को देख के सुधर जाए, यहाँ पर जब आओगे तभी सुधरेगा। ये जानकारी आप तक पहुँचेगी तो उसके लिए शेयर कीजिए ताकि इस मंदिर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और संकट मोचन जी सबका भला करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।